हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कैसे हम HDFC सिक्योरिटी में पहली बार किसी भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको HDFC को लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये डिस्प्ले शो होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना, कोई भी वॉच लिस्ट के ऊपर क्रिएट कर देना, या फिर आपने वॉच लिस्ट बना के कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर सर्च बॉक्स में जाने के बाद ऊपर सबसे आपको राइट में सर्च बॉक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्लिक करके कोई भी स्टॉक सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, येस बैंक की एक स्टॉक को सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे बाय का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस बाय के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। यदि आप पहली बार स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो आपको डिलीवरी में स्टॉक को बाय करना है, और यदि आप एक्सपीरियंस है तो आप इंट्राडे बैंक निफ्टी कहीं भी आप यहाँ पर बाय और सेलिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, बाय के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से येस बैंक के एक स्टॉक को देख लेता हूँ, NSE के अंदर बाय करने वाला हूँ, या BSE के अंदर आप कहीं भी बाय कर सकते हैं। तो आपको उसके बाद क्या करना है, यहाँ से NSE सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, NSE सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ से कैश के अंदर यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करनी है। जैसे आपके सामने यहाँ पे कई ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, आप कैश के अंदर, इंट्राडे के अंदर, मार्जिन के अंदर, कवर के अंदर, ई मार्जिन के अंदर, लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ कैश के अंदर ही यहाँ पे बाइंग करने वाले हैं। उसके बाद आप कितनी क्वांटिटी यहाँ पे बाय करने वाले हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे पुट कर दी, एक क्वांटिटी बाय करने वाला हूँ। उसके बाद प्राइस यहाँ पे प्राइस डाल सकते हैं, जैसे 18 रुपये 35 पैसे इसका चला हुआ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से प्राइस सूट कर सकते हैं। जैसे मैं इस स्टॉक को जैसे मान के चलता हूँ कि मैं इसको 18 रुपये आएगा तब बाय करने वाला हूँ, तो यहाँ पे 18 पुट कर दूँगा, और या जो भी मार्केट का रेट चला हुआ उसके अकॉर्डिंग बाय करने वाले हैं, तो यहाँ से आप मार्केट सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ से जो भी मार्केट का रेट होगा अप डाउन उसके अकॉर्डिंग आपका स्टॉक बाय हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना, एडिशनल डिटेल यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे यदि पहली बार बाय कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही HDFC बाय कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेस बाय ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है, तो यहाँ से आपका स्टॉक बड़ी आसानी से बाय हो जाएगा। इस तरह से आप HDFC सिक्योरिटी में पहली बार किसी भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में आपकी कोई भी कन्फ्यूजन तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। HDFC सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, तो आप उस वीडियो में यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, एंजल वन, जरोदा, 5 पैसा, ग्रो ऐप, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं, कोई भी वीडियो आपको मिल जाएगी।